और आइए आपको फिर से एक फटाफट मामला समझा देते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्ट ने रद्द क्यों किए, रद्द कैसे हुए, जरा इसको आप समझ लेते हैं। 2010 में लेफ्ट की सरकार थी और उसने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था। इस पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक नए रिजर्वेशन की बात की और इस पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह तय किया कि एक ओबीसी ए कैटेगरी जो है वो होगी रिजर्वेशन की। इस ओबीसी ए कैटेगरी पर ही विवाद हो गया। ममता सरकार ने इस ओबीसी ए कैटेगरी के रिजर्वेशन को जारी रखा। यह बनाया था लेफ्ट की सरकार ने और इसके बाद ममता सरकार ने जारी रखा, लेकिन 2011 में उस कैटेगरी में नए वर्ग भी ममता सरकार ने जोड़ दिए। कुल 42 नए वर्गों को जोड़ा गया इस ए कैटेगरी के अंदर ओबीसी ए में। प्रस्ताव विधानसभा से पास होना था लेकिन नहीं कराया। पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह भी नहीं ली गई। नए वर्ग जुड़े तो कुछ लोग कोर्ट चले गए। दावा यह कि नियम विरुद्ध सर्टिफिकेट बनाए गए और सर्टिफिकेट बांटे गए, नियमों के खिलाफ जाकर यह सब कुछ हुआ, ऐसा दावा है। कोर्ट ने दावों को सही पाया और इसके बाद अब सर्टिफिकेट निरस्त कर दिए हैं और नए सिरे से सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहा गया है।